वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। 2 बज रहे हैं इस समय, बिल्कुल लाइव आने का टाइम हो गया है और काफ़ी बढ़िया टॉपिक है आज का। वो क्या पर चर्चा होगी, थोड़ी सी हो सकता है कि आपको दिखाई पड़ने में मतलब थोड़ी सी फटी फटी से दिखाई पड़ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से, है ना। हाँ, ऑल इज़ वेल, गुड आफ्टरनून अखिलेश पांडे, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी से इसे शेयर करिए, है ना, ताकि लगभग 37-38 कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस हैं और उनको हमें करना है। तो फटाफट आप पहले क्या करें कि इसको जल्दी से शेयर करें लोगों के साथ जुड़ने का शेयर। हाँ, मैं और थोड़ा सा नज़दीक कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े कायदे से। अब आप फटाफट इसको देखिए। हाँ जी, करीना विश्वकर्मा गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ब्यूटी यादव भी हैं, गुड आफ्टरनून। बेटा भगना नहीं है, याद रखना, आने के बाद भगना नहीं है करीना और ब्यूटी, ठीक है, आपको अच्छी बात है, बट जाना नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस करना है, वो कैब है। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग हो सकते हैं आज, है ना। कल भी मैंने बोला था वो कैपी क्लास है, तो चंद्रसेन यादव आ गए, चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। सचिन वर्मा भी हैं, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, हाँ जी, एक बार शेयर करिए, एक बार इसको शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए। संख्या बढ़नी चाहिए, संख्या कम नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन हमारे देखते हैं कि संख्या 9-10 पर रह जाती है या उससे कम हो जाती है, मतलब 20+ नहीं आती है। ब्यूटी यादव, सर हम लोग डेली रहते हैं। अच्छा, रहते हो, अच्छी बात है बेटा, बट रहते हो तो कमेंट क्यों नहीं करते हो? रहते तो हो, हमें पता है, बट लास्ट तक नहीं रहते हो शायद, बीच में गायब हो जाते हो, क्योंकि शुरू में आप पे कमेंट आते हैं, बाद में फिर कमेंट गायब हो जाते हैं आपके। चलिए जी, अच्छी बात है, तो एक बार जल्दी से शेयर करिए। और एक बार आप ये बताएं कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है प्रॉपर रूप से, अगर दिखाई विजुअलिटी अगर प्रॉपर हो और मेरी वॉइस अगर प्रॉपर मिल रही हो, तो एक बार आप जो है बताएं। दीपक यादव गुड आफ्टरनून, ऋचा यादव गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो एक बार जरा सा बताएं आप पहले। तान्या भी आ गई, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सूर्या गौतम, यस सर, ओके, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभिषेक भी हैं, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, ये सूर्या गौतम, चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून सबको एक बार फिर से। जितने भी जुड़े लोग हैं, जुड़े हुए हैं, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। शेयर करना मत भूलिएगा, है ना, 14/6 का रेशियो है, तो इसको एकदम से बॉटम बढ़ा दिए पूरा। बॉटम मीन्स हाई करना है, बॉटम का मतलब नीचे नहीं लाना है, हाई कर देना है, यहाँ पर रिलीज करना है। और अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ठीक है। देखिए, आज का जो है, जो कि आप लोग बोल रहे थे ना कि वो कैब या तो जो है EDMs पर बात कर रहे थे आप, तो उसमें अभिषेक ने भी कहा था सर वो कैब में मतलब आप 1 वर्स पर ले आए हैं, तो ठीक है, हमने 1 वर्स पर लाया है, बट कल की जो क्लास होगी वो डेफिनेटली EDMs पर हो जाएगी, वो कैप में EDM एंड फ्रेजेस की चर्चा होगी। तो अब आप बताएं, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर है कि देखिए, यहाँ पर दिया है ना, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंसेस। आपको बताना है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर सेंटेंस या वर्ड दिया है उसका मतलब करेक्ट सब्सटीट्यूट क्या होगा। नितीश कुमार भी हैं, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून नितीश जी। चलिए बताएं, एक बार इसको शेयर जरूर करिएगा, है ना, 14-13 नहीं, इसको और ऊपर ले जाइए, एक एक को जोड़ेंगे तो 14 × 2 = 28 हो जाएगा ये। हाँ जी, और फिर वही वाला जो आज आपने दीपक आपने सुनाया था ना वहाँ पर, कि आँखों में आँखें डाल के बोली चल झूठी तेरी ऐसी औकात नहीं, तो वही बिल्कुल है कि आपका जोश आई है और आपके सामने किसी कोई औकात नहीं है, बड़ी एनर्जी है आप में, उस एनर्जी का सदुपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। बस उसी एनर्जी को एक बार लगाइए इसको शेयर करने में, ताकि इसकी संख्या भी हाई हो जाए। अब आपको सामने, आपके सामने क्वेश्चंस है, विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द, पंकज कुमार मौर्य बोल रहे हैं सर ए का ए होगा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, शुरुआत हो गई। अ पोलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्ट्राइव स्टिर अप पीपल, क्या होगा, अ पोलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टिर अप पीपल। स्टिर अप का मतलब जानते क्या होता है, हिंद गेमिंग ए बोल रहे हैं, पंकज कुमार भी ए बोल रहे हैं, हाँ जी, अच्छी बात है। स्टिर अप का मतलब जानते क्या होता है, स्टिर अप का मतलब क्या होता है ना, उत्तेजित करना, जैसे कल लाल किले वाले में हुआ था, कल उत्तेजित कर दिया गया और भीड़ जो है लाल किले के ऊपर झंडा फहरा दी, तो हला गलत हुआ, बट उत्तेजित करना होता है, तो क्या हो जाएगा। सूर्या गौतम भी ए बताए हैं, हिंद गेमिंग शिवम वर्मा सी बता रहे हैं, ओके जी, पंकज कुमार मौर्य ए बता रहे हैं, स्थिर अप मीन्स हाँ बिल्कुल उत्तेजित करना होता है, डेफिनेटली उत्तेजित करना, ठीक है जी, हाँ तो बताएं।
और लोग बताएं फटाफट इसको रिप्लाई करें, क्योंकि 38 है, 1 घंटे में पूरे 38 क्वेश्चन करना है। सर शेयर किया और लाइक भी, ओके थैंक यू सो मच। जिन्होंने शेयर और लाइक किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जिन्होंने लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर दें, क्योंकि 15-16 और 9 का रेशियो चल रहा है अभी, तो आप देखें कौन लोग लाइक नहीं किए। कम से कम एटलीस्ट 15-16 लाइक तो होनी चाहिए ना, जितने लोग देख रहे हैं। हाँ जी, ए चंद्रसेन यादव बोल रहे हैं सर, सी अभिषेक त्रिपाठी ए बोल रहे हैं, अखिलेश पांडे भी ए बोल रहे हैं, चलिए जी ओके। तो देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया ना, पहले का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है यहाँ पर ना, ये डिमार्क दिया हुआ है। डिमार्क का मतलब जानते हैं क्या होता है, उत्तेजित करने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यहाँ पर ए होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है जी, तान्या राव ए ही होगा, ठीक है। ब्यूटी भी बता रही है, आंचल भी बता रही है, वेरी गुड। अब यहाँ पर बताया जरा सा क्या होगा, आप बताएं क्वेश्चन नंबर टू क्या होगा। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट समबडी आर समथिंग विंस आर रिसीव्स अनएक्सपेक्टेडली, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आशा से अधिक पैसा मिल जाए, क्या होता है बताएं। कैटासिल जो होता है, मेरैग होता है, विंडफॉल होता है, या कास्केट होता है, क्या होता है। दूसरे का बताएं क्या होगा, एनी आइडिया। सूर्य गौतम ए जी, चलिए। और धीरज यादव बी, चलिए जी अच्छी बात है। और बताएं और क्या हो सकता है, पंकज कुमार मौर्य ए, ठीक है जी। नीतीश कुमार, अच्छा नीतीश कुमार भी ए को बता रहे हैं, चलिए जी ठीक है अच्छी बात है। अखिलेश पांडे ए, ठीक है जी अच्छी बात है। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो ना तो ए होगा ना बी होगा, बल्कि सी हो जाएगा। विंडफॉल का मतलब जानते हैं, इसका मतलब जो दिया है, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट समबडी आर समथिंग विंस और रिसीव्स अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बिना आशा के, जिसको मतलब आशा से अधिक अगर इसको मिल जाए, आपको आशा नहीं है कोई चीज़ मिल जाए लेकिन आपको मिल जाए, उसे हम अप्रत्याशित बोलते हैं। और अप्रत्याशित जानते हैं किसका मीनिंग होता है, सी विंडफॉल का मतलब होता है। विंडफॉल का मतलब क्या होता है, अप्रत्याशित या आशा से अधिक। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट है, विंडफॉल आशा से अधिक या अप्रत्याशित। चलिए जी क्वेश्चन नंबर थर्ड बताएं क्या होगा। थर्ड आपके सामने है, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, मतलब वह जो सुधार से परे है, जिसको सुधारा नहीं जा सके, इसका मतलब ये है, क्या हो सकता है बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। सूर्या गौतम बोले सर बी होगा, चलिए जी अच्छी बात है, बी आपने बता दिया। और लोग बताएं और क्या हो सकता है, करीना विश्वकर्मा सी, सूर्य गौतम बोले सर 100% बी, क्या बात है अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सूर्य, इसका जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सी होगा, सॉरी सी करें बी होगा, है ना। ये जो इनकरेजिबल है, इनकरेजिबल इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, वह जो सुधार से परे है, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, उसको असुधारात्मक बोलते हैं, और वो है आपका इनकॉरिजिबल बी। डेफिनेटली बी आपका बिल्कुल राइट है, करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर बी पर हम जाएंगे, बी को टिक करेंगे ओके। तो जिन लोगों ने बी मारा वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बाकी लोग पढ़ें और पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर बताएं आप क्या है, नॉट इनडॉल्व्ड विद लाइफ। हाँ जी बिल्कुल, बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर का उत्तर, बताएं क्या हो सकता है। नॉट इनडॉल्व्ड विद लाइफ, इनएनिमेट, इरेसिबल, फिर है मोमेंटस और इनकंडेंसेंट। इनकंडेंसेंट क्या होगा बताएं, सूर्य गौतम बोले सर बी होगा, चलिए जी ठीक है की बात बी होगा, इसमें 100% नहीं लगाया आपने फोर में। अखिलेश पांडे बी, धीरज यादव डी, ओके जी बता, चलिए रिप्लाई करते चलिए, है ना, रिप्लाई करते चलिए।
ऋचा यादव बी। ओके जी ठीक है बी। और बताएं, और लोग रिप्लाई भी करें, क्या हो सकता है? फोर सूर्य गौतम बी। 100% क्या बात है, अभिषेक त्रिपाठी भी बता रहे हैं। ठीक है जी ओके। तानिया राव डी बता रही हैं, पंकज कुमार मौर्य ए जा रहे हैं, ब्यूटी यादव बी बता रही हैं, करीना विश्वकर्मा बी बता रही हैं, मतलब सारे लोग बी पर जा रहे हैं। हाँ जी ये जो फोर है ना, फोर फोर का ए होगा बी नहीं होगा जी, है ना। नॉट इंडोर विद लाइफ इसको बोलते हैं इन एनिमेट, ये इरेसिस्पिबल और ये मोमेंटस वगैरह है, ये सब नहीं होगा यहाँ पर। सिर्फ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट है, इसलिए सूर्या जी यहाँ पर 100% आपने बोला तो सही, बट यहाँ पर गलत हो गया है ना, इनएनिमेट होगा, कोई बात नहीं चलता है। अब आइए देख क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बताइए क्या होगा। नेडिंग अलॉट ऑफ स्ट्रेंथ, हाँ बेटा वही नो लाइफ मीन्स, तो बताएं क्या होगा, फिफ्थ का क्या होगा, फिफ्थ का बताएं फटाफट। नीडिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन एंड एफर्टनेस, क्या बोलते हैं इसको, हरकुलियन बोलते हैं, एक्सप्लिसिट बोलते हैं, फ्रेगाइल बोलते हैं, या एक्सेम्प्लि, थोड़ा सा दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ना, कल और क्लियर करके खींचेंगे क्योंकि तो फट जा रहा है थोड़ा सा, तो इसको और क्लियर करना है। एग्जाम्पलियर हरकुलियन, नीतीश कुमार बोल रहे हैं सर ए होगा इसका, सूर्या गौतम बी बता रहे हैं। हाँ जी चलिए ठीक है, और लोग बताते चलिए, विशाल कुमार भी बी के साथ जा रहे हैं। ठीक है जी और लोग बताएं क्या हो सकता है। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 का भी ए होगा हरकुलियन, है ना, ये बी नहीं होगा। नीडिंग ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट, मतलब होता है जिसके पास बहुत शक्ति होती है, डिटर्मिनेशन होता है, और जो एफर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, हरकुलियन बोलते हैं, है ना, तो उसको एक्सप्लिसिट फ्रेगाइल या एग्जाम्पलरी नहीं बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, करेक्ट हो जाएगा इसका, ए होगा इसका ए। आप आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है ऑलरेडी है, बताया क्या होगा। अ नेम अडॉप्टेड बाई एन ऑथर इन हिज राइटिंग, टाइटल या नोमेन क्लेक्चर है, निक नेम है, या फिर स्यूडोनिम है, क्या होगा बताएं। यहाँ पर लास्ट वाले में पी साइलेंट है। आचल सिंह बोले सर डी होगा इसका, अच्छा जी 6 का डी बता रहे हैं। विशाल कुमार ने बताया सर डी होगा, अच्छा जी शिवम वर्मा डी। अच्छा ये बताया जो आथर जो होता है, जो अपने राइटिंग्स अपनी कृति को नाम देता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम उसे शीर्षक बोलते हैं ना, शीर्षक बोलते हैं। तो अगर शीर्षक बोलते हैं तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर डी में कहाँ से आप लोग जा रहे हो, है ना, कोई भी अगर राइटर लिखता है कोई किताब तो उसको एक नाम देता है, टाइटल होता है उसका, उस किताब का टाइटल क्या है, नाम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर, वो डी नहीं होगा इसका, ए 100% होगा। ठीक है हाँ बिल्कुल सूर्या सही जा रहे हैं, ए 100% है यहाँ पर है, तो आपका ए बिल्कुल राइट है। ठीक है हाँ जी टाइटल होगा, सूरज गुप्ता भी बोले हैं टाइटल, बिल्कुल टाइटल होगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, बताएं क्या होगा। गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, क्या होगा, इफेक्ट या इफरवेक, या ये दरअसल दिखाई पड़ कम पड़ रहा है ना, मैं फिर से देखता हूँ बताता हूँ यहाँ पर क्या मीनिंग है, वो थोड़ी सी टाइट गड़बड़ हो गया है, वो प्रिंट होने में, प्रिंट क्या बल्कि फ़ोटो खींचने में गड़बड़ा गया है, वो थोड़ा दिखाई कम पड़ रहा है ना, तो कोई बात नहीं मैं बताता हूँ क्या है ये क्वेश्चन नंबर 7। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 का ठीक है, इसमें भी बुक में भी थोड़ा गड़बड़ था, तो यहाँ पर इफेक है, इफरवर्स है, या इफ्लोरेसिस है, या एफ्यूज है, तो क्या होगा बताएं। आचल सिंह बोल रहे हैं सर ए होगा यहाँ पर, 6 का ए बता रही, 7 का ए बता रही हैं।
जी सारे लोग, करीना विश्वकर्मा भी ए पर जा रहे हैं, धीरज यादव सी पर जा रहे हैं, हाँ जी ऋचा यादव ए पर जा रहे हैं, सूर्या गौतम बोले हैं सर ए 90%, मतलब अच्छा 90%, मैं अभी थोड़ा सा दुविधा है आपको, धन्य राव ए बता रहे हैं, चलिए जी ठीक है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बताते चलिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर 90% जो आपका था ना, वो 90% थोड़ा सा गड़बड़ हुआ यहाँ पर, क्यों, क्योंकि 90% जो आप, अच्छा ए सी वन का, हाँ तो यहाँ पर जो 90% आप बता रहे हैं ना, 90% में थोड़ी सी कमी आ गई है, क्योंकि हमें तो सब लग रहा है, क्या बात है आचल सिंह, हाँ सब लग रहा है, सही कह रहे हो, इसका जो है वो बी होगा, क्या हो जाएगा, गिव ऑफ बबल्स आपके एस बी, ऑप्शन इज द राइट, बी बिल्कुल करेक्ट है, और साथ का बी ही जाए होगा, ए सी डी कुछ नहीं होगा, तो बी पर आप जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताएं क्या होगा, एन एन एनिमल विथ 2 फीट क्या हो सकता है बताएं। नीतीश कुमार बोल दिए सर, विप्ड उसको बोलते हैं, अच्छी बात है, क्या होगा बताएं, सार्टोरियल होता है, बाइप्ड होता है, नेल होता है, या रेप्लिका होता है, आंचल सिंह बी पर जा रही है, नीतीश कुमार बी पर जा रहे हैं, हाँ जी अच्छा, सूर्या गौतम 100% बी पर जा रहे हैं, ठीक है जी, पंकज कुमार मौर्या भी बी पर जा रहे हैं, ओके 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 ठीक है, और बताएं और लोग बताएं और क्या हो सकता है, विशाल कुमार बी, ब्यूटी यादव बी, हाँ जी चंद्रसेन जी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, हिंद गेमिंग बी, धीरज यादव बी, ऋचा यादव सी, ठीक है जी, हाँ जी तो क्या होगा इसका, तो आप लोग सही जा रहे होगे, क्योंकि सारे लोग बी पर जा रहे हैं, तो इसको मतलब बी पर होगा है ना, इसका क्या, इसको क्या बोलता है, इसको दोपाया बोलता है, जो जानवर दो पैर के होते हैं इसको दोपाया बोलते हैं ना, तो इसलिए इसका बाइप्ड हो जाएगा, BIPD, बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग सही जा रहे हो, बी सही है, राइट है। अब यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा बताएं, फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से जो डरने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, या फास्मोफोबिया बोलते हैं, या बाथोफोबिया बोलते हैं, या ओफिडियोफोबिया बोलते हैं, क्या होगा, बाथोफोबिया, नीतीश कुमार बोल रहे हैं सर बाथोफोबिया, क्या बात है, आंचल सिंह भी सी पर जा रहे हैं, वेरी गुड, और लोग अभिषेक त्रिपाठी भी सी पर ही जा रहे हैं, ठीक है जी, सूर्या गौतम 100% CCC CCC, क्या बात है, चंद्रसेन यादव भी सी पर जा रहे हैं, ठीक है जी अच्छी बात है ना, मतलब एक श्रुति कार्यक्रम सब लोग सारे लोग सी पर जा रहे हैं, डेफिनेटली सी ही है ना, सब पढ़ने लग गए हैं सर, बिल्कुल राइट, सब पढ़ने लग गए हैं, बहुत सही बात है, यही तो बात होती है ना, प्रैक्टिस का मतलब होता है, सब जब थोड़ा प्रेशर पड़ता है सब पढ़ने लग जाते हैं, जब होता गया ना कि इसको कंपटीशन बोलते हैं, स्वस्थ कंपटीशन, जो स्वास्थ्य कंपटीशन है मतलब हेल्दी कंपटीशन, की मतलब एक जब बढ़ता है तो उस दिन क्या, उस दिन आचल सिंह ने यही बोला था ना कि सर अगली बार फिर से आइएगा, तो अगली बार हम भी जवाब देंगे, क्योंकि मैं इस बार तैयार नहीं कर पाई, बट अगली बार रिप्लाई करूंगी, और आज रिप्लाई कर भी रही है, इसी प्रकार से जो है अभिषेक त्रिपाठी भी बोले थे कि सर कल करिएगा, कल देखेंगे, तो इसका मतलब है कि सबने पढ़ा है, याद किया, और अगर इस प्रकार से मेहनत करते रह गए आप तो 100% जो है आपका, लेकिन मैं गूगल खोल कर बैठा हूँ चलिए चलिए कोई बात नहीं, ठीक है अच्छी बात है, गूगल खोल कर बैठे अच्छी बात, गूगल मत खोलेगा है ना, क्योंकि गूगल हमेशा काम नहीं देगा, तो इसका सी होगा ना, 9 का 7वां क्या है, 9 का 9 जो है आपका दिया हुआ है वो सी है, तो डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर बाथोफोबिया, ओके है, इसका मतलब होता है गहराई से डरने वाला, ब्यूटी यादव भी सी बताई है, ओके जी चलिए, आप देखिए आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर, बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10, ऑफ अननोन एंड अन एडमिटेड ऑथरशिप, जिसके मैंने हम जानते नहीं हो, जिसके वो जिसको आप स्वीकार करना करते हो, उसे क्या बोलते हैं हम, उस ऑथरशिप को क्या बोलते हैं, है ना, एनोनिमस बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं, सॉरी वैक्सासन बोलते हैं, एनोनिमस बोलते हैं, या गुलीबल बोलते हैं, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एनोनिमस है और यूनेनिमस है, एक में यू है और एक में ए है, तो क्या होगा, आचल बोले सर बी या डी, मतलब बी और डी में कन्फ्यूजन है, चलिए जी पंकज कुमार मौर्य ए, सूर्या गौतम CCC 100% इसमें बोले हैं, किसी और के लिए बोले हैं, हाँ जी चंद्रसेन यादव बी, आचल सिंह फिर से बी बोल रहे हैं, पंकज कुमार मौर्य बी, अभिषेक त्रिपाठी बी पर, मतलब बी पर मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, हाँ जी नीतीश कुमार बोले हैं सर यूनेनिमस, ओके यू को आप जा रहे हो, यानी आप सी पर जा रहे हो, ठीक है जी तो वास्तव में इसका जो सही होगा वो बी होगा है ना, बी आर सी नहीं, हिंदी में बी आर सी नहीं होगा ये, वो तो ठीक है, एनोनिमस का मतलब होता है जिसके बारे में कोई जाने ना, एनोन है ना, और उसका क्या होता है, बी होता है, ए से शुरू होता है, यू से नहीं, तो आपका जो बी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर सी नहीं होगा इसका, ओके तान्या राव सी नहीं होगा बेटा, बी होगा,
करेक्ट। चलिए अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बताएं वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वह जो बहुत सारी भाषाएं जानता है क्या होगा उसको बताएं। लिंग्विस्ट बोलते हैं कि पॉलीग्लॉट बोलते हैं कि ट्रांसलेटर बोलते हैं या फोनेटिसियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अचल सिंह बी, सूर्या गौतम सर ए, 100%, क्या बात है जी। विशाल कुमार ए। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा तो नहीं, अच्छा अभिषेक भी ए बता रहे हैं, चलिए जी अच्छी बात है। शिवम वर्मा ए, चंद्रसेन यादव ए, सारे लोग ए पर जा रहे हैं जी, अच्छी बात है। एक बार गूगल करके देखिए जरा सा लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, और एक बार डी का गूगल लिड्डू को गूगल करके देखिए कि फोनेटिसिन का मतलब क्या होता है। एक बार देखें, एक बार गूगल करिए, आप खुद गूगल करिए ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। लिंग्विस्ट को देखिए, LINGUIST, लिंग्विस्ट को देखिए एक बार, और एक बार फोनेटिसिन को देखिए, डी को गूगल करके देखें, और आप मुझे मीनिंग बताएं क्या होता है उसका जल्दी से। आप लोग ए पर, मैक्सिमम लोग जा रहे हो ना ए पर, और उससे से मिलता हुआ एक ऑप्शन डी भी है, तो जरा पहले आप एक बार गूगल करें। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, इसका मतलब होता है वह जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, और इसका एक शब्द हो जाएगा बहुभाषाविद। अब आप मुझे बताएं कि इसकी मीनिंग कौन होगी, बहुभाषाविद लिंग्विस्ट होगा या फोनेटिसियन होगा, क्या होगा बताइए। अच्छा आंचल सिंह बोल रहे हैं सर लिंग्विस्ट नहीं होगा, अच्छा अभी तो सब लिंग्विस्ट में जा रहे थे। फिर क्या होगा, आप डी को देखें जरा सर, डी को देखें पहले, फोनेटिसियन देखें, क्या वो बहुभाषाविद होता है, उसका बहुभाषी होता है वो, देखिए और बताएं फटाक से। पॉलीग्लॉट होगा, बी होगा। हाँ जी बिल्कुल, 11 का बी होगा। पॉलीग्लॉट का मतलब जानते हो क्या होता है? पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषाविद, यानी बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला, उसको भी पॉलीग्लॉट बोलते हैं। ठीक है, लिंग्विस्ट जो भाषा को जानता है उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट, लेकिन जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट यानी बहुभाषाविद। तो इससे आपका जो उत्तर हो जाएगा, 100% नहीं होगा, उसका जो उत्तर हो जाएगा वो बी होगा। क्लियर, तो यहाँ पर बी होगा, पॉलीग्लॉट। हाँ जी ओके। हाँ अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपके सामने 12। बताएं 12 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, एक हल्की तैरने वाली नाव जिसका प्रयोग हम रेसिंग के लिए करते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे डिंकी बोलते हैं, या कैनो बोलते हैं, याच बोलते हैं, या फ्रैगेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये लोग जो गूगल देखने वाले गए थे कहाँ चले गए, क्या बंद करके चले गए क्या, है ना? 14 मतलब 16 17, एक बार दम लगा के यार शेयर करो इसको, एक बार शेयर करो आप लोग, एक बार शेयर करो अपने दोस्तों को। देखिए ग्रुप में शेयर करेंगे ना, जो हमारा ग्रुप बनाया हुआ है उसमें से नहीं आएंगे लोग, अपना कोई, अगर आपका खुद का ग्रुप है, कोई दोस्त यार है, उसके पास आप शेयर करें, उसको जगाएं, उसके जमीर को जगाएं, उससे बोले कि 2 बज रहा है आकर पढ़ लो, ए रंग है सिर्फ। किसका ए रंग है? चंद्रसेन बोले सर सी होगा। आचल सिंह मे बी, यास नॉट श्योर, किस्ती छोटी है ना, आप जानते हैं क्या बोलते हैं उसको, अगर आप देखे होंगे कभी तो उसको, नाव के जो छोटी वाली होते हैं उसको डोंगी बोलते हैं, डोंगी, क्या बोलते हैं? डोंगी। और उसी डोंगी का दूसरा नाम क्या है? बी होगा राइट, ये जो बी दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, CANOE, नो, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट है, करेक्ट है, आपको बी पर जाना है। जो छोटी नाव होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको नाव बोलते हैं, KNOE। हाँ बिल्कुल छोटी नाव, तो बी का यास नहीं होगी, बी सही है, बी एकदम राइट है, करेक्ट है, बी पर आपको जाना है, इसलिए बी पर टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 13 क्या होगा बताएं। पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, वह व्यक्ति जिसके पास, अभिषेक त्रिपाठी, हाँ बी था, बी था उसका अभिषेक जी। अब आप बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, वह व्यक्ति
जिसके पास अधिक अनुभव होता है, लंबा अनुभव होता है, उसे क्या बोलते हैं बताएं? उसको स्थलवाट बोलते हैं, पेडांटिक बोलते हैं, या इटिनरेंट बोलते हैं, या वेटरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? तो मैक्सिमम लोग बता रहे हैं इसमें, जैसे ब्यूटी यादव डी बताएं, ऋचा यादव डी सी बताएं, सूर्या गौतम डी बता रहे हैं, आंचल सिंह डी बता रही हैं। ओके जी, अंकित भी आ गए। अंकित जी कहाँ रहते हैं भाई आजकल, आप दिखाई नहीं पड़ते हैं। आपके साथ के लोग आ जाते हैं, आप नहीं रहते हैं। अंकित भी डी बता रहे हैं। हाँ जी, पंकज कुमार मौर्या डी बता रहे हैं। मनोज भी आ गए। मनोज आपको तो रहना चाहिए बस, है ना, इसमें वर्ड पावर वो कैब, इसलिए मैंने मतलब पहले से मैं भेज देता हूँ। तो चलिए, सब लोग डी बता रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है। 13, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, है ना। 13 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सर अभी पेपर होने वाला था। अच्छा, किसका पेपर होने वाला था? तान्या राव डी। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा इसका? ये जो अनुभवी व्यक्ति होता है ना, लंबे समय तक जिसके पास अनुभव होता है, उसको वेटरन बोलते हैं, VETERN। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। ओके जी, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या होगा। सॉरी, बहुत आगे हो निकल गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं पहले एक बार। 13 के बाद ये 14 यहाँ पर आ गया। चलिए बताइए क्या होगा। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, बताएं क्या होगा? अंकित की बात अलग है, उनकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट है, क्या बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही करें सर, कुछ काम से नहीं कहेंगे। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, काम है तो कोई बात नहीं, बट कोशिश क्या करें कि अगर अभी ना देख पाए तो बाद में देखें, लेकिन इसको देखें ज़रूर, क्योंकि अब इसमें प्रैक्टिस वो कैब की चल रही है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अब मैं ग्रुप में वो कैब की जो है ना, वो लिस्ट भी भेजूंगा, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ वो कैब आपको देता रहूँगा, ग्रुप में भेजता रहूँगा, तो जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा होगा, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ने का प्रयास करें, अपना नंबर मेरे पास भेज दें, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा उनको। तो चलिए बताएं क्या होगा। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बताया है ना। मनोज कुमार वर्मा ए, सूर्या गौतम बी। नहीं जी, ये जो जानते हैं क्या होता है, इस मैक्सिमम लोग मतलब बी डी पर जा रहे हैं। ये जो अ हेटर ऑफ मैनकाइंड का मतलब जानते हैं क्या होता है? वह व्यक्ति जो मानवता का शत्रु होता है, जो मानवता को से ईर्ष्या करता है ना, उसको मिसो जाइनिस्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि मिसो जाइनिस्ट जो दिया होता है ना, उसका मतलब होता है वह जो औरतों से ईर्ष्या करता है, जो स्त्री देश दोषी होता है, उसको बोलते हैं मिसोजाइनिस, ठीक है। जो मैनकाइंड से नफरत करता है, जो मानवता से नफरत करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिसेंथ्रोपी। क्या बोलते हैं? मिसेंथ्रोपी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, बिल्कुल ए क्लियर है एकदम, बी नहीं होगा यहाँ पर। बी तब होता जब यहाँ पर होता अ हेटर ऑफ वीमेन काइंड, ठीक है, तब यहाँ पर हम मिसोजाइनिस का प्रयोग कर देते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। बट चूंकि मैनकाइंड की बात हो रही है, मानवता की बात हो रही है, मानव जात की बात हो रही है, और उसके लिए हम ए वाला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। ओके जी, ठीक है। तो आप चलिए, क्वेश्चन नंबर ए एकदम राइट है। अब आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 15 है, नंबर शायद कट गया है, मैंने काटते समय जो आइटर ऑफ मैनकाइंड चाइनीज बिल्कुल सही बात है, चाइनीज होना चाहिए। कोरोना फैला करके ससुरे ने पूरा मानवता का खंड एकदम से विनाश कर दिया है, तो चाइनीज होना चाहिए, सही कह रहे हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर। इंसेक्ट विथ मैनी लेग्स, वह सर इनाम कब मिलेगा? अच्छा, सूर्या गौतम, डेफिनेटली। चलिए आप करते रहिए, पहले इसको बढ़ाइए, तो 17 लोगों में इनाम आप लेंगे, और बढ़ाइए इसको, तगड़े से बढ़ाइए, शेयर करिए, कम से कम बढ़ते रहें लोग, तब तो इनाम दें आपको, है ना, घोषित करेंगे, बस भीड़ थोड़ी बढ़ जाए तब, फिर खुला चैलेंज प्रतियोगिता करवाएंगे, और उसमें एक बड़ा सा इनाम रखेंगे, बशर्ते उसमें जो टॉप कर जाएगा उसको 100% दे देंगे। बट ये है कि पहले आप इसको बढ़ाएं, इसको शेयर करें, आप ही लोग इसको आगे बढ़ाना है, और आप लोग इसको आगे बढ़ा नहीं रहे हो, कैसे काम चलेगा, है ना। अपने दोस्तों के पास, गांव वगैरह में भी बोलिए ना, जैसे मनोज वगैरह गांव में है, उनसे बोलिए, जो गांव में आपके मित्र तैयार है, वो कम से कम पढ़ें आ करके, तभी तो लोग जुड़ेंगे इससे। अब चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने थे, था यहाँ पर, इंसेक्ट विथ मैनी लेग्स, है ना, क्या होगा इसका? स्मार्टफोन नहीं है फ्रेंड के पास, चलिए कोई बात नहीं बाबा, ठीक है, नहीं है तो हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबा, हो जाएगा।
जितने लोग हैं सबके पास हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चले, सब लोगों ने रिप्लाई दे दिया, मैक्सिमम लोगों ने रिप्लाई दिया है, जितने लोग हैं। जी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये जो 15 है ना, 15 नंबर का क्वेश्चन था, इसका क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, है ना? तो आप सब बता ही रहे हो, तो डेफिनेटली ए एक द राइट है। ए पर जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हालांकि कटा हुआ है 16, वो कट गया, नंबरिंग कट गई है, बट याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। आपको बताना है कि इसका क्या होगा, बताएं। कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, ब्यूटी यादव ए, अंकित सिंह ए, ए आंचल सिंह सी बोल रही हैं। हाँ जी, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, और लोग रिप्लाई करें फटाफट, क्या हो सकता है? सूर्या गौतम ए ए, मतलब मैक्सिमम लोग ए पर ज़्यादा जाते हैं एथेस्ट में। चलिए, अथेस्ट की बात नहीं, अथेस्ट और थेस्ट दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर। अब इसे बोले सर सी अभी, हाँ जी सी अभी मिल जा रहा है। चलिए, इसका जो करेक्ट हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट इसका हो जाएगा आपका सी, ब्लास्फेमी बोलते हैं, है ना? कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, ब्लास्फेमी होगा इसका, इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर सी, वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका ऑप्शन सी होगा, ए नहीं होने वाला है, बी नहीं होने वाला है। अब चलिए, आप ये बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने यहाँ पर है। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द परफॉर्मर्स स्पीकर एक्सेट्रा, क्या बोलते हैं इसको? वह व्यक्ति जो इंट्रोड्यूस करता है किसको, परफॉर्मर्स या स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस कराता है, उसको क्या बोलते हैं? कैंपियर बोलते हैं, एपोस्टाइल बोलते हैं, हरकुलियन बोलते हैं, या फ्रूगिवरस बोलते हैं? लोग बोल रहे हैं, आंचल सिंह बोले सर ए में भी, तानेरा बोले सर ए होगा। चलिए जी, अच्छी बात है। सूर्य गौतम बी, मनोज कुमार डी, पंकज बी। ओके जी, ऋचा यादव अभिषेक बी बता रहे हैं। हाँ जी, चलिए ठीक है। अंकित सिंह बोले सर नहीं पता, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। सेवनटीन है, और जो 17 का आंसर हो जाएगा वो बी नहीं होना है, वो ए हो जाएगा, कंपेयर, ठीक है, COMPARE, कंपेयर जो है वो इज द राइट है एकदम से। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द परफॉर्मर्स या स्पीकर्स, उसको क्या बोलते हैं? कंपेयर बोलते हैं। वह व्यक्ति जो परफॉर्मर या स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस कराता है, उनका परिचय कराता है, उसको क्या बोलते हैं? कंपेयर, ठीक है, COMPARE, कंपेयर। अब आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, नंबरिंग हट गई है। क्वेश्चन नंबर 18 बताया क्या होगा? अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर किप्ट, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 है ये। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर किप्ट, वह स्थान जहाँ पर सरकारी या है ना पब्लिक रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ए ए 100% ए, मतलब सारे लोग ए पर जा रहे हैं, क्या बात है। हाँ, वो बिल्कुल, आप जाएंगे ही जाएंगे, है ना? पंकज कुमार मौर्य, मतलब अभी तक सारे लोग ए पर ही गए हैं। चलिए जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। इसका क्या हो जाएगा? ए ही होगा, है ना? क्योंकि आर्चीव का मतलब क्या होता है? अभिलेख होता है। तो जो जहाँ वह स्थान जहाँ पर गवर्नमेंट का सरकारी या पब्लिक रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसको अभिलेख बोलते हैं, यानी आर्चीव, है ना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए। आइए अब देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 19 है आई थिंक, बताएं क्या होगा 19 का? ये 19 आपका यहाँ पर गया है, क्या होगा इसका बताएं? द मोस्ट कैपेबल पार्ट,
थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, द मोस्ट कैपेबल पार्ट ऑफ अ ग्रुप टाउन आर प्लेस, क्या होगा? पेटोइस होगा, स्वान सॉग होगा, एलिट हो जाएगा, या पैंक्सटीलियस हो जाएगा, क्या होगा बताएं? किसी भी समूह, शहर या स्थान का इम्पॉर्टेंट कैपेबल पार्ट क्या हो सकता है, क्या कहा जाता है उसको? अंकित भी पता, नहीं पता, अच्छा नहीं पता, आंचल सिंह नहीं पता, मतलब दोनों को, अंकित और आंचल दोनों को नहीं पता, मनोज सूर्यपन्मा सी, धीरज यादव ए, सूर्या गौतम ए हो सकता है जी, ब्यूटी यादव सी होगा। अच्छा चलिए, सूर्या बोल रहे हैं सर डबल ए, मतलब ए ए, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप लोग ए पर जा रहे हो। हाँ जी, ए ए, मतलब मैक्सिमम लोग ए पर जा रहे हैं, कुछ लोग सी पर जा रहे हैं। 19 का ये जो 19 दिया हुआ है ना, इसका ए हो सकता है, नो ए नहीं होगा, इसका जो ऑप्शन है आप गूगल करो, फटाक से गूगल करो, जिसके पास गूगल है, सी होगा, क्या होगा? सी होगा, द मोस्ट कैपेबल पार्ट ऑफ अ ग्रुप टाउन आर प्लेस इज नोन एज एलिट, ALIT, एलिट होगा इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, चलिए बताइए आगे क्या होगा। सॉरी फिर से पीछे बैक हो गया। आप बताएं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है आपके सामने, 20 क्वेश्चन नंबर 20 ये भी कट गया है। बताएं क्या होगा? ए स्पीच बाई एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले, यहाँ पर जानते हैं पूरा पूरा मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये प्ले दिया नहीं है, प्ले है। ए स्पीच बाई एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले, किसी खेल के, सॉरी किसी भी नाटक के अंत में एक्टर के द्वारा जो कही हुई बात होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे एपिलॉग बोलते हैं, मोनोलॉग बोलते हैं, या ड्यूलॉग बोलते हैं, या प्रोलॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताएं? ए स्पीच बाई एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले, आंचल सिंह श्योर, मतलब ए होगा श्योर, अंकित सिंह भी ए, धीरज यादव ए, मनोज कुमार वर्मा ए, सूर्या गौतम ए 100%, अभिषेक त्रिपाठी ए, शिवम वर्मा सी, पंकज कुमार मौर्य बी। ओके जी, चलिए ठीक है, सारे लोग एक साथ जा रहे हैं ना। हाँ, ब्यूटी यादव ए, पंकज कुमार, चलिए ठीक है, करीना विश्वकर्मा ए, ठीक है जी, ओके जी, चलिए आप सबके साथ हम भी आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एपिलाग बोलते हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग सही जा रहे हो, ये एकदम राइट है। अब आप बताएं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके साथ, 21 है, आई सेट अ परफेक्ट बैलेंस, है ना, एकदम संतुलन की जो अवस्था होती है, परफेक्ट संतुलन की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्विलिब्रियम बोलते हैं, रेफरेंडम बोलते हैं, या कियोस्क बोलते हैं, या प्लेटिट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आचल सिंह ए ए ए ए, सब लोग, शिवम वर्मा ए, सूर्या गौतम और हम ए बोल रहे हैं, मनोज कुमार वर्मा भी ए बता रहे हैं, अंकित सिंह भी ए गए हैं, शिवम वर्मा भी ए पर जा रहे हैं, सूर्या गौतम भी ए पर जा रहे हैं, ठीक है जी, मतलब सारे लोग एक सुर में ए, जब ए पर जा रहे हैं, है ना? सारे लोग ए पर जा रहे हैं, चलिए जी आपके साथ हम भी हो लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है ना, इक्विलिब्रियम जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, वन हु हेट्स मैनकाइंड, ये तो दोबारा हो गया, ये दोबारा हो गया है ना, ये दोबारा हो गया है, तो इसको हटा देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार ऑलरेडी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए, देखते हैं क्या होगा। समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, वह जो पॉइजनस है या अनहेल्दी है उसे बोलते हैं टॉक्सिस बोलते हैं, या एम्यून एम्यून बोलते हैं, या प्रोटोटाइप बोलते हैं, या कंस्टाबन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभिषेक बोल रहे हैं सर सी होगा, मनोज कुमार वर्मा ए बता रहे हैं, ब्यूटी यादव ए बता रही हैं, अंकित सिंह सी बता रहे हैं, शिवम वर्मा ए बता रहे हैं। हाँ जी चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सूर्य गौतम ए, पंकज कुमार मौर्या ए, हाँ जी ठीक है, हाँ आंचल सिंह ए पर जा रही हैं, ठीक है जी, अच्छी बात है।
अभिषेक त्रिपाठी भी ए पर जा रहे हैं, सब लोग मतलब ए और बी पर ही जा रहे हैं सब लोग। ठीक है चलिए जी, तो हम भी आपके साथ ही हो लेते हैं। आपके साथ हो लेते हैं, टॉक्सिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है टॉक्सिस बोलते हैं उसको। अब आइए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा। अ पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, क्या हो सकता है ना, मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है क्या बोलते हैं उसको, इनोसेंट, स्केप गॉट, इग्नोरेमस या निन कंपोप, क्या बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 24 है, बताना है आपको। मनोज कुमार वर्मा बोल रहे हैं सर डी होगा, सूर्य गौतम शायद पुराना वाला बताया ऐसी, चलिए बताते हैं। पंकज कुमार मौर्य आप बी बता रहे हैं, ब्यूटी यादव डी पर जा रही हैं। ओके जी हाँ, और लोग बताएं, करीना विश्वकर्मा, सूर्या गौतम सर ए या सी, सर नहीं पता, धीरज यादव बोले हैं, चलिए जी अच्छी बात है। बी बट डी ऑप्शन का हिंदू नहीं पाया इसलिए, और अच्छा मतलब हिंदी नहीं हो पाया इसलिए श्योर नहीं है, आंसर बोल रहे हैं। ओके जी चलिए ठीक है। चलिए उसको बोलते हैं क्या, स्केप गार्ड बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु इज मेड टू बेयर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, मतलब होता है या वह व्यक्ति जो हमेशा दूसरे के कारण ब्लेम करता है, ब्लेम का पात्र बनता है, उसे क्या बोलते हैं, स्केप गार्ड बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी एकदम करेक्ट है, स्केप गार्ड। अब आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए जो मतलब थोड़े दिन के लिए, समय के लिए होता है, क्या बोलते हैं इसको, फेजिबल बोलते हैं, मार्सुपल्स बोलते हैं, ट्रांजिटरी बोलते हैं या टिटुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताएं क्या होगा। आंचल सी, शिवम वर्मा सी, ऋचा यादव ए, पंकज कुमार मौर्य डी। हाँ जी चलिए रिप्लाई करते रहिए फटाफट, ये सब कहाँ छोड़ के सब भगे जा रहे हैं। 17 से 18, 19 से 14 पर आ गए, रण छोड़ के जाना नहीं है, बस 1 घंटे की बात है, करके जाना है पूरा। मनोज कुमार वर्मा सी, ठीक है जी अच्छी बात है। अंकित जी का रिप्लाई आया, करीना विश्वकर्मा सी। ओके जी हाँ, और बताएं, और लोग रिप्लाई करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, और 25 का जो उत्तर हो जाएगा राइट, वो क्या हो जाएगा, 20 सॉरी, इसका जो 25 का उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके यानी इसको क्या बोलते हैं, 25 का ट्रांजिटरी बोलते हैं, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, उसको बोलते हैं ट्रांजिटरी, अल्पकालिक, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 बताया जरा सा आपके सामने है, उसको भी रिप्लाई कर दीजिए। एन एक्ट ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमी टेरिटरी फॉर मिलिट्री पर्पजेज है, सॉरी, एन एक्ट ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमी टेरिटरी फॉर मिलिट्री पर्पज, मतलब होता है क्या है कि मिलिट्री पर्पज के लिए जो दुश्मन देश होते हैं, राष्ट्र होते हैं, उनसे सूचना को इकट्ठा करने वाला जो एक्ट होता है कहलाता है, क्या कहलाता है वो बताएं। अच्छा हेलो सर, मैं सूर्या गौतम, अच्छा सुरेंद्र कुमार के नाम से सूर्या गौतम है, चलिए कोई बात नहीं जी ठीक है। तो क्या होगा बताएं, रिकॉन्सियंसेस बोलते हैं उसको, या एमनेस्टी बोलते हैं, या एमुनेशन बोलते हैं, या डिजर्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ऋचा आंचल सिंह ए या सी, ऋचा यादव सी, ठीक है जी हाँ जी, आंचल सिंह बताए, ब्यूटी यादव सी पर जा रही हैं। ओके जी, धीरज यादव बी, सूर्या गौतम बोल रहे हैं सी, अभिषेक त्रिपाठी ए। ओके जी ठीक है, चलिए
मनोज कुमार वर्मा बी पर जा रहे हैं, एमनेस्टी जा रहे हैं वो, करीना विश्वकर्मा सी पर जा रही हैं, पंकज कुमार मौर्य बी पर जा रहे हैं। मतलब एमनेस्टी आपको ये लग रहा होगा ना कि ये तो मतलब डायनेस्टी से लगा हुआ है तो इसलिए एमनेस्टी, नहीं एमनेस्टी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, एन एक्ट ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमी टेरिटरी फॉर मिलिट्री पर्पस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिकरेंसेंस बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। आप बताएं क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहाँ से आ गया, क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक 7 था, चलिए बताएं 27 का क्या होगा बताएं। आपके सामने है द प्रैक्टिस ऑफ प्रिटेंडिंग टू हैव फीलिंग दैट वन डज नॉट रियली हैव, है ना। मतलब है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहाना बनाना, जो नहीं है उसका भी बहाना बनाना, जैसे कुछ ना कुछ लोगों को बुखार नहीं होता लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं, बहाना बना लेते हैं, बुखार होने का नाटक करते हैं, बहाना बना लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बोल रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ प्रिटेंडिंग टू हैव फीलिंग्स दैट वन डज नॉट रियली हैव, मतलब यद्यपि होता नहीं है लेकिन होने का जो लोग बहाना करते हैं, बहाना बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये बताना है आपको, है ना। ट्रिकरी बोलते हैं, विलेंटी बोलते हैं, हाइपोक्रेसी बोलते हैं या फ्लैटरी बोलते हैं। तो मनोज बोले सर उसको फ्लैटरी बोलते, चापलूसी नहीं, चलिए ठीक है। ऋचा यादव ए बोल रही हैं, आचल सिंह सी बोल रही हैं, ओके जी। चलिए और लोग बताते, चलिए रिप्लाई करिए। सूर्या गौतम सुरेंद्र कुमार बोल रहे हैं, मतलब सुरेंद्र मतलब सूर्या गौतम बोल रहे हैं सर सी, ओके जी। हाँ इसका 20 जो सी है ना उसका मतलब 27 का सी हो जाएगा। हाँ इसको बोलते हैं हाइपोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, हाइपोक्रेसी बहाना बनाने बाज, जो बहानेबाज होते हैं, हाइपोक्रेसी झूठा नाटक, उनको बोलते हैं हाइपोक्रेसी। सी 90% सूर्या गौतम बोले, चलिए जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने जा रहा है, बताएं क्या होगा। 28 क्या हो जाएगा, दो टिश्यूज इन जॉइंट्स लिगामेंट, मतलब वो लोग जो टिश्यू को ज्वाइंट मतलब जोड़ते हैं ना, जॉइंट्स टिश्यू बने होते हैं ऊतक, उनको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं, कॉन्ग्रेगेशन बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं या डिप्सोमेनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ए ये 11 क्यों हो गए, कहाँ पर चले गए सब के सब, सोने गए क्या, इनको अच्छी नहीं लग रही है। शिवम वर्मा ए, चलिए रिप्लाई करिए फटाफट। 28 इसके बाद अभी कम से कम 10 क्वेश्चन और है, उससे भी करना है विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर ही कर लेना है उसको। तो मनोज कुमार वर्मा बी बोल रहे हैं, सुरेंद्र कुमार मतलब सूर्या गौतम बी 100%, ऋचा यादव सी, बिटू यादव ए, अभिषेक नहीं ए नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा है, हम कह कि नहीं ए बोल रहे हैं, ठीक है नहीं आ रहा है सर, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। उसको लिगामेंट बोलते हैं, साइंस का क्वेश्चन है बस, है ना, साइंस का क्वेश्चन है। तो जो लिगामेंट होते हैं ना वो करते क्या है कि ऊतक को जोड़ डालते हैं, एकदम से जोड़ते हैं, लिगामेंट्स होते, लिगामेंट्स का काम ही होता है जोड़ना, ज्वाइंट जोड़ना, ठीक है, तो वो लिगामेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अगर आपको दिख रहा होगा तो बताइएगा, नहीं तो मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ, अब आप बताएंगे। 29 आ स्टोरी इन वर्स एलेजी हेम्न सोनेट बैलेड क्या होगा बताएं। आचल सिंह डी श्योर, क्या बात है। हाँ मनोज कुमार वर्मा डी, चलिए जी आपने भी डी बताया। पंकज कुमार मौर्य 80 पर जा रहे हैं, ठीक है जी। और बताएं, और लोग रिप्लाई करें फटाफट, रिप्लाई करें आप लोग, क्यों बुझ गए हैं एकदम से। चंद्रसेन जी कहाँ चले गए, चंद्रसेन यादव कहाँ गए, उनकी बहुत देर से, बहुत मतलब काफ़ी देर से नहीं है, वो गए। और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग, दीपक भी चले गए, दीपक भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, चंद्रसेन दीपक कहाँ गए। करीना विश्वकर्मा डी, सुरेंद्र हाँ चलिए, सूर्या गौतम, ऋचा यादव 28 का ए सर, ओके जी ठीक है।
चलिए इसका जो हो जाएगा वो डी होगा, बैलेड है ना। स्टोरी ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं? बैलेड बोलते हैं। और ये कविता का एक प्रकार होता है, जैसे आप कविता लिखते हैं ना, स्टोरी ऑफ इन वर्स, जब भी आप कविता होता है ना, कविता एलिजी जो होता है ना, एलिजी वो जानते हैं क्या होता है, वो दुखद गीत होता है एलिजी। सोनेट जो होता है वो भी जो है कविता का एक प्रकार होता है, और बैलेट जो है वो एक प्रकार की कविता है। तो यहाँ पर आई स्टोरी इन वर्स ये इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एलिजी में मॉर्न होता है, लेमेंट होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। सोनेट 14 लाइन्स की होती है, कई बार 11.5 लाइन्स की भी होती है, 3.5 लाइन की भी होती है, बट इसका बैलेट हो जाएगा करेक्ट। तो हाँ जी बिल्कुल, सो गीत वही, तो आपका जो है डी करेक्ट है। बैलेट आप बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? टू कट ऑफ अ पर्सन पार्ट ऑफ बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, मतलब किसी, तीस का उत्तर मनोज ने बताया सर ए होगा, मतलब बढ़िया, किसी व्यक्ति के बॉडी का वह पार्ट काट देना जो इन्फेक्टेड है उसे क्या कहते हैं? एक्सपेट्रेट बोलते हैं, एब्डिकेट बोलते हैं, एम्प्यूटेट बोलते हैं, या एग्रेवेट बोलते हैं, क्या होगा? ऋचा यादव बोले सर डी होगा, मनोज कुमार वर्मा 30 का, अच्छा 29 का डी उन्होंने बताया, ठीक है। और आपने, मनोज ने 30 का ए बताया, ठीक है। सुरेंद्र मतलब सूर्या गौतम बता रहे सर बी होगा, ठीक है जी, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। हाँ ओके, अचल सिंह सी बोल रही हैं, बिटिया तो डी पर जा रही हैं। ओके जी, ये जो 30 है, 30 30 30 वाला जो हो जाएगा ना, टू कट ऑफ अ पर्सन पार्ट ऑफ बॉडी विच इज इन्फेक्टेड। हाँ हाँ बिल्कुल, तो अभिषेक त्रिपाठी, एक बार आप गूगल करिए, गूगल कर लीजिए एक बार, एब्डिकेट को गूगल गूगल करिए आप लोग, और एम्पूटेट का गूगल करिए आप, AMPUTAT, फिर देखिए क्या होगा इसका। गूगल करिए एक बार, ABDICAT और AMPUTAT क्या होगा बताएं, गूगल करिए देखिए क्या होगा, खुद आप सर्च करिए। अचल सिंह सर सी होगा, पढ़ा हुआ है बेटा, सी ही होगा इसका, लेकिन जो लोग बी बताए हैं इसलिए मैंने कहा ना कि बी को एक बार जरा गूगल करिए और सी को गूगल करिए, तो सी ही होगा इसका, बी नहीं होगा। बट एक बार होता क्या है ना, जब आपको मैं बोलता हूँ कि आप एक बार सर्च करो, तो खुद आप जब गूगल करते हो ना, तो खुद आप देखते हो कि हाँ इसका मतलब क्या होगा, तो वो चीज़ें जब आपके दिमाग में घुस जाती है पूरी तरह से, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा इसका, बेटा ए तो बिल्कुल नहीं होगा, सी होगा है ना, एम्प्यूटेट होगा इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी नहीं होगा सी। चलिए 31 बताएं क्या होगा। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स कंट्रोल्ड बाय पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्या हो सकता है इसका? ओब्लिगार्ची, डेमोक्रेसी, या मेरिटोक्रेसी, या स्नोबरी, क्या होगा? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स कंट्रोल्ड बाय पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मतलब होता है सर सी ही होगा, हाँ बिल्कुल सी होगा। तो ब्यूटी यादव क्या होगा इसका बताएं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स कंट्रोल्ड बाय पर्सन्स ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मतलब होता है कि किसी भी, अचल बी एंड डी को हटा दीजिए, ए या सी होगा, मतलब ये कोई क्या बात है, ये तो कौन बनेगा करोड़पति वाली बात हो गई है ना, कि ऑप्शन को आप रिमूव कर दीजिए, बी और सी को हटा दीजिए, तो बाकी जो दो बचा है उसमें से कोई एक होगा है ना। अगर ऐसा आने लगे तो बिल्कुल कितना अच्छा रहे ना, सारे विद्यार्थी एकदम खुश हो जाएं, जब अगर ऑप्शन हटाने की बात आए कि जिसमें कन्फ्यूजन उसको हटा दीजिए। वैसे एग्जामिनर को देना चाहिए था, पाँच जो है ना, 5 लाइफ लाइन स्टूडेंट्स को देना चाहिए कि चलो भाई 5 जगह अगर आप फंस जाओगे तो आपको लाइफ लाइन मिलेगी, आप उसका यूज कर सकते हो। चलिए जी अच्छी बात है। 31 में जो इसका हो जाएगा ना, 31 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना, मेरिटोक्रेसी बोलते हैं इसको। मेरिट का मतलब होता है जिनके पास अच्छी मेरिट होती है, मेरिट मतलब गुण होते हैं, जिनके पास क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है, और जो अपने गुण और क्वालिटी इंटेलेक्चुअल पावर की वजह से, के दम पर
हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट्स को, उसको क्या बोलते हैं? मेरिटोक्रेसी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप सी पर जाओगे। आप क्वेश्चन नंबर 32 बताइए क्या है, हो जाएगा। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, वह जो बिल्कुल भी लिटरेचर और आर्ट को केयर नहीं करता, है ना, साहित्य और कला की परवाह नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? क्या उसे बारबेरियन बोलते हैं, बारबेरियन? क्या उसे फलिस्टाइन बोलता है? क्या उसे इलिटरेट बोलता है? क्या उसे प्रिमेटिव बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताएं? ब्यूटी यादव बोल रहे हैं सर बी होगा। जो भी और लोग बताएं फटाफट 32 का उत्तर दें। उसके बाद अभी और भी क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन और हैं तो एटलीस्ट करना है, और एक घंटा हो भी जाएगा फिर। सूर्या बोल रहे हैं सर बी होगा। ठीक है जी, चलिए सूर्या मानते हैं आपकी बात, बी होगा। और लोग बताएं और क्या होगा? ऋचा यादव बोले सर सी होगा। ओके ठीक है, रिप्लाई करें। 32 ये लोगों की संख्या घटती जा रही है, अंत में घट के कहाँ जाएगी? 0 पर आ जाएगी। बंदों को उत्साहित करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है ना, सारे होते हैं, इनको उत्साहित करना बड़ा मुश्किल होता है। ये काम कौन कर सकता है? उत्कर्ष का कुमार गौरव कर सकता है। वन हु डज नॉट केयर फॉर एनी आइडिया, 32 का कोई बताए? चलिए इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, है ना, फलस्टाइन। हाँ बिल्कुल, सोने चले गए, सही कह रहे हैं, सबकी नींद जगाना है। तो वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर आर आर्ट, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं फलस्तीन, ऑप्शन नंबर बी। जिसको लिटरेचर और कला का जरा भी ज्ञान नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है, उसकी बात हो रही है। आप जरा बताएं क्वेश्चन नंबर 33, 22 तो हो गया, 32 हो गया था, 33 से बता रहे हैं आपको क्या होगा, बताएं 33 बताएं क्या होगा। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, एसेंट्रिक, सिनिकल, इंट्रोवर्ट, मूडी, इसको तो बताएंगे ही बताएंगे आप लोग क्या होगा। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, वह व्यक्ति जो ऑड हैबिट्स को रखता है उसे क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक बोलते हैं, सिनिकल बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, मूडी बोलते हैं, क्या हो सकता है बताएं फटाफट बताएं, रिप्लाई करें क्या होगा। 33 का उत्तर अचल ए, चलिए जी ठीक है, अच्छी बात है ए। और लोग बताएं, अंकित भी ए बता रहे हैं, ठीक है जी अच्छी बात है। सुरेंद्र मतलब बोल रहे हैं शिवम वर्मा डी बता रहे हैं, बाकी सुरेंद्र जी भी बता रहे हैं, चलिए ठीक है जी। ब्यूटी यादव ए, देखिए इसका जो रिप्लाई हो जाएगा ना वो ए हो जाएगा, क्या होगा? ए, अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, ए होगा एसेंट्रिक, सिनिकल, इंट्रोवर्ट या मूडी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 बताएं। वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वोमेन इन ऑल फील्ड्स, मतलब होता है वह व्यक्ति जो औरतों को हर क्षेत्र में समान अधिकार देना चाहता है, समान अवसर प्रदान करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फैनाटिक बोलते हैं, मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं, फिलेंडर बोलते हैं, या फेमिनिस्ट बोलते हैं, क्या होगा बताइए? ब्यूटी यादव अंकित सी, ब्यूटी यादव ए, अभिषेक त्रिपाठी ए, और लोग बताएं, सुरेंद्र भी बोल रहे हैं ए होगा, ब्यूटी भी ए बता रही है, अच्छी बात है जी। आंचल सिंह भी ए पर जा रही हैं। ऋचा यादव डी पर जा रही हैं। अच्छा चलिए ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डी ऑप्शन बड़े कम लोगों ने बताया है, मैक्सिमम लोग ए पर जा रहे हैं और
सी पर जा रहे हैं। एक काम आप जरा सा करेंगे, एक काम करिए कि आप जरा सा डी को जरा सा देखिए, डी फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है जरा देख लीजिए आप लोग, तो खुद देखिए जो ए बता रहे हैं वो भी देखें इसको, फैनेटिक का मतलब क्या होता है, और जो सी बता रहे हैं वो भी देखें कि फिलेंडर का मतलब क्या होता है, देखें। सुरेंद्र कुमार बोले सर डी होगा, डी होगा है ना। 34 जो दिया हुआ है, 34 उसका क्या होगा, उसका आपका डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। फेमिनिस्ट बोलते हैं वह व्यक्ति जो औरतों को हर फील्ड में समान अवसर प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इससे प्रेमी यानी फेमिनिस्ट होता है वो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर जाइए, बताइए क्या होगा। समथिंग पॉसिबल एंड लाइकली टू बी डन, फिजिबल, ऑब्स्ट्रस, ट्रांजिटरी या इम्यून, क्या होगा बताएं। 35 क्या हो सकता है, फटाफट बताएं, जल्दी से बताएं, दो तीन क्वेश्चन और ख़त्म होता है, ख़त्म करते हैं। हाँ बिल्कुल, नारी शक्ति जी, डी, और लोग बताएं फटाफट बताएं। 35 आपके सामने है, बिल्कुल दो क्वेश्चन और, दो क्वेश्चन और बच रहा है, बड़ा से ख़त्म करिए इसको जल्दी से। समथिंग पॉसिबल एंड लाइकली टू बी डन, फिजिबल, ऑब्स्ट्रस, ट्रांजिटरी, इम्यून, बताएं क्या होगा 35 का। यहाँ पर ए होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए फिजिबल, समथिंग पॉसिबल एंड लाइकली टू बी डन, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि समथिंग पॉसिबल एंड लाइकली टू बी डन मतलब होता है जिसको करना संभव हो और जिसको किया जा सके, वो क्या हो जाएगा, वो फिजिबल हो जाएगा, PASIBLE है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है, 100% जी, 100% सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 पर जाइए, क्या होगा बताएं। 36, प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडीज डेथ, किसी के मरने पर जो प्रिंटेड नोटिस दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, कंडोलेंस बोलते हैं, कैलुमनी बोलते हैं, ऑबिट्यून क्या बोलते हैं इसको, यू ऑबिट्यूनरी बोलते हैं या ऑन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, ब्यूटी यादव बोले सर सी होगा, चलिए जी अच्छी बात है, आंचल सिंह बोले सी होगा, ठीक है, और बताएं, शिवम वर्मा सी, ओके जी ठीक है, हाँ जी, अभिषेक त्रिपाठी सी, मतलब सी पर सारे लोग, सुरेंद्र कुमार भी सी पर जा रहे हैं, ओके जी, सारे लोग सी पर जा रहे हैं है ना। चलिए अगर आप लोग सी पर जा रहे हैं तो इसका मतलब है सब सी ही, संजय कुमार बोल रहे हैं सर सी होगा, ठीक है, अगर सी आप लोग जा रहे हो तो सी ही सही है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, करेक्ट है आपका, इसका क्या हो जाएगा, ये चीज़, प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडीज डेथ, किसी के मरने पर जो नोटिस दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, ऑबिट्यूरी बोलते हैं उसको जी। सारे लोग आप लोग सी पर गए थे, अब दिखाई पड़ रहा होगा 37, इसको बताइए क्या होगा। मोशन ऑफ हेड हैंड्स, सॉरी, मोशन ऑफ हेड हैंड्स एक्सेट्रा एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड, नॉन्स, मोर्स, गैस्चर या रिकॉन्सियंस, क्या बोलते हैं इसको। अंकित सिंह सी, ब्यूटी यादव सी बता रही हैं, अच्छी बात है जी। मोशन ऑफ हेड हैंड्स एक्सेट्रा मतलब होता क्या है कि जब हम अपने एटीट्यूड को दिखाते हैं तो हमने किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा हम लोग हेड और हैंड के मोशन का प्रयोग करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम। अंकल सिंह सी, ब्यूटी यादव सी, अंकित सिंह सी बता रहे हैं, और लोग बताएं फटाफट 37 का क्या होगा। चलिए ठीक है, गौतम जी भी सी बता रहे हैं, करीना विश्वकर्मा भी सी बता रही हैं, ओके जी ठीक है, मतलब आप सारे लोग सी बता रहे हो है ना, तो इसका मतलब है कि आप सी पर जा रहे हो, तो बिल्कुल करेक्ट है, सी इज द राइट, सी एकदम करेक्ट है, यहाँ पर इसका भी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा है ना, गेस्ट्योर, हाँ गेस्ट्योर जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, या इसको गेस्ट्योर या गेस्ट कुछ बढ़िया है, तो यहाँ पर अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो गेस्ट्योर है बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो ये आपके 37 क्वेश्चन आज के रहे हैं, हालांकि मैं 50 करने वाला था लेकिन मुझे लगा कि कहीं 50 करने के चक्कर में और जल्दी करना पड़ जाएगा और 1 घंटे में हो नहीं पाएगा, इसलिए 50 नहीं करिए किया, मैंने 37 किया, 11 कम कर दिया वहाँ पर। बट अब आप बताएं, कल शाम वाली क्लास में तो मैं जो 9 बजे से 9 से 10 चलेगी वो क्लास में, तो मैं बात करूँगा जो एक्स्ट्रा आर्डिनरी आपके प्रीपोजिशंस हैं एक्सेप्शनल रूल वाले, उनकी चर्चा करूँगा, और वो बहुत अच्छा है ना,
कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, कॉपी करें अच्छी बात है। लेकिन अब आप एक बात बताएं यहाँ पर कि ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर जो 37 आज का हुआ है, कल का जो आपका होगा वो भी वोकैब पर प्रैक्टिस की कोशिश मैं करता हूँ कि मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ वोकैब पर। बट आप क्या चाहते हो आज अंकित तिवारी, आपको कैसे पता है भाई? तो ये बताएं यहाँ पर कि करना क्या है यहाँ पर, कि ये जो चीज़ें दिया हुआ है, मतलब कल की क्लास जो होगी 2 से 3, क्या चाहते हैं आप? वोकैब पर हो, और वोकैब पर हो तो किस पर हो ये आप मुझे बताएं, उसी टॉपिक पर मैं लेकर आऊँगा। कल का टॉपिक क्या है? जी वही अभिषेक त्रिपाठी, वही मैं कह रहा था कल का टॉपिक क्या होना चाहिए भाई। जैसे कि बहुत सारे कल बच्चों ने बोला था ना कि वो एडीएम एंड फ्रेजेस पर होना चाहिए सर, तो लेकिन कुछ एक लोग बोले थे नहीं सर ये वन वर्ड्स पर होना चाहिए था। तो चलिए वन वर्ड्स आज हम लेकर आए, वन वर्ड्स अभी और भी आगे आएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमारे पास रखे हुए हैं। तो अंकित सिंह बोल रहे हैं सर एडीएम एंड फ्रेजेस पर लेकर आइए, क्या आप सब सहमत हैं? अच्छा रोड पर क्लास कर लें, हाँ रोड पर क्लास तो डेफिनेटली लूँगा, है ना गौतम जी, सूर्या जी, रोड पर क्लास लूँगा और वो व्हाइट बोर्ड पर लूँगा, तो वोट पर हाँ वो बहुत जल्दी उसको मैं लेता हूँ। तो चलिए ठीक है, एडीएम एंड फ्रेजेस पर कल क्लास लेते हैं फिर, ओके। हाँ नहीं रूट क्लास होगी ना वो, मैं व्हाइट बोर्ड पर उसको लेता हूँ तो डेफिनेटली उसको क्लियर करूँगा। आपको भी एक्सपीरियंस है क्या? अचल सिंह जी आपको भी एक्सपीरियंस है क्या? अच्छा अंकित बोल रहे हैं, चलिए जी ठीक है। तो कल की क्लास होगी वो एडीएम एंड फ्रेजेस पर हम लेते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आप पढ़िए और करते रहिएगा, और मैं देखता हूँ आज शाम को कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग जो है ना वो कैप के मैं भेजूँगा आपको। हाँ तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल, बट कल से पहले आज शाम को मिलेंगे 9 से 10। हाँ ठीक है, आज 9 से 10 आना मत भूलेगा, क्योंकि वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जो एक्सेप्शनल रूल्स हैं प्रीपोजिशंस के, पहले उनको हम डिस्कस करेंगे, जिन जो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है, तो पहले मैं उसको डिस्कस करूँगा, और डिस्कस करने के बाद फिर कल जो है हम चर्चा करेंगे किसकी, तो वो एडीएम एंड फ्रेजेज होगा। तो ठीक है मिलते हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों लोग एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे को टैलेंट बताइए, वो यही तो होता है ना, इसी को तो लोकतांत्रिक जो कन्वर्सेशन बोलते हैं। अच्छी बात है, मिलते हैं शाम को 9 से 10, तब तक ले थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और शाम को एलिवेट में जो लोग आने वाले हैं उनसे तो मुलाकात होगी होगी, ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन 9 से 10 आना मत भूलिएगा, एक्सेप्शनल रूल्स की चर्चा करेंगे रात में, ओके थैंक यू।